हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, दो दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ। पहले नीचे जाने की पर उदा उड़ गई थी, उन लोगों ने सहरी ख़त्म भी कर लिया। पौने चार हो रहे हैं तो बस मेरे पास दही खाने का टाइम है। फटाफट से अपनी सहरी ख़त्म करते हैं और नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। ये तो बस मामा अपनी मेडिसिन रख के बैठ गई है, बाकी सब कुछ उठा दिया इन्होंने। लखवारी कसमा पाइए इस चंद्रे दिल नूजे की करिए की समझाइए इस चंद्रे दिल नूजे लखवारी कसमा पाइए। चलिए, आज हमारी सुबह ऐसी हुई है कि कुछ ज़रूरी काम थे करने वाले तो हम सब इकट्ठे ही निकले थे बाहर, लेकिन मामा लोगों को मैंने वापस घर ड्रॉप कर दिया। उनका ख़त्म हो गया था काम, तो कहीं थी वेट करने से अच्छा है हम लोग घर जाके अफ्तारी की तैयारी करते हैं। अभी मैं लेने जा रही हूँ दोबारा से उमेर को, और उसके बाद मुझे लगता है कि मेरी अफ्तारी आ जैसे कोई पास टाइमिंग में ना मैं घर पहुँचूँगी जब अफ्तार होने वाला होगा। और माजरत, मैं आप लोगों से आज कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बाहर हूँ। अभी बस दो मिनट का रास्ता रह गया, वहाँ जाके देखते हैं कि उमेर का काम ख़त्म हुआ है या नहीं। अगर तो हो गया हुआ तो हम लोग टाइम से घर पहुँच जाएंगे, अगर नहीं तो शायद अफ्तार के पास पास। लखवारी कसमा पाइए इस चंद्रे दिल नूजे ना कले मेरी सुनदा बस तेरे सपने बुनदा है जदों दा तेरे ते हार आ जी। अभी मैंने उमेर को पिक कर लिया, वापस जा रहे हैं अब वापस जा रहे हैं और अफ्तारी में 25 मिनट रह गए बाकी, बस अब घर जा रहे हैं और स्पून से अफ्तारी बन गई होगी तो खा लेंगे, जो भी बना होगा आज हम खा लेंगे। अफ्तारी हमारी हो गई थी रास्ते में ही, काफ़ी ट्रैफिक थी तो इसलिए हमें टाइम लगे घर आते आते। जब हम घर आए तो ये पड़ा हुआ था, कचौरी है, पकौड़े भी पड़े हुए हैं अभी, और ये क्या है यहाँ पे बूंदी, और ये रही फ्रूट चाट। अच्छा, अब चीज़ें तो काफ़ी पड़ी हुई खाने के लिए, लेकिन अब चाय पीने की तलब हो रही है। चाय पीते हैं और दूसरी शिफ्ट लगाएंगे हम थोड़ी देर बाद। बस तेरे सपने बुनदा है जदों दा तेरे ते हार आ। बोल के अंदर ही स्टार्ट हो गए खाना धोने पड़ेंगे बर्तन। ये दोनों एक ही बोल में खाने लगी हैं जिसमें पड़ा हुआ था, वो कह रही अब धोना पड़ेगा तो हमने ख़त्म ही करना है तो ज़रूर बर्तन गंदे करने हैं, इसी में खा लो। और मैं वेट कर रही हूँ चाय में उबाल का, चाय बने तो मैं चाय पी लूँ फटाफट से। कौन कौन देख रहा है ये वाला ड्रामा? अच्छा, आप लोगों ने बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन इश्क मुर्शिद ड्रामा देख रहा है। हम लोग, मैंने बड़ा बीच में से स्टार्ट किया था, अभी भी पूरी मैंने एपिसोड्स नहीं देखे, जब ये लोग लगाते हैं तो देख लेती हूँ। आप लोगों ने पूरा उसे फॉलो किया, कौन कौन देख रहा है ये जरूर बताएंगे मुझे कमेंट में। पीन चाय एंजॉय करने लगी हूँ विद कचौरी। कचौरी इतनी अच्छी बनी है कि डेली ना क्रेविंग होने लग जाती है। कल मैंने चाय के साथ इसको ट्राई किया था तो बहुत मज़े की लग रही थी। अगर आप लोग बना रहे हैं तो चाय के साथ ज़रूर ट्राई करना आपने इसको। जी, चाय वगैरह पी ली है, अभी आम रखती है मसाला। रात का खाना अब तैयार कर रही हूँ, जिसको प्रेशर लगा दूँगी। इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा मैं लहसुन डाल दूँगी, लहसुन की कोई 7-8 जवे। इसके बाद प्रेशर लगा दूँगी, प्रेशर में इसको लगाऊँगी 15-20 मिनट का, और उसके बाद हमारी हंडिया तैयार है। तड़का लगाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपना सालन सहरी में। बाकी आज पूरा दिन मेरा बहुत बिजी रहा है तो हालत भी कुछ टाइट सी है मेरी। जैसी भी थी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की आज की रूटीन। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।